नाइन एक्सप्रेस टीवी में आप सभी का खैर मकदम है। सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एमपी हैदराबाद और प्रेसिडेंट एआईएमआईएम की हियादत पे जनाब मिर्जा रहमत बे कादरी साहब कंटेस्टेड एमएलए और इंचार्ज राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी ने कल इलेक्ट्रिक पोल से गिरकर हलाक हुए एफएसओपी लेबर सत्या नामी शख्स का आज उस्मानिया हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराए। इस मौके पर जनाब मुबीन साहब कॉरपोरेटर और जनाब जफर खान साहब कॉरपोरेटर और जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब कॉरपोरेटर और भी दीगर लोग मौजूद थे। आइए नाज़रीन देखते हैं इसकी तफसीली रिपोर्ट। E99 एक्सप्रेस टीवी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 5:30 बजे के टाइम पे जो कि इलेक्ट्रिसिटी के सत्या नामी जो कैजुअल के लेबर है उन्होंने जंपर डालने ऊपर चढ़े और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिसर बता रहे कि रिवर्स करंट आने की वजह से उन्होंने खंभे के ऊपर से गिर के उनके सर पे मार लगने से उनका इंतकाल हो गया। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नसीबे मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को इसकी इत्तला मिलते ही सदर मोहतरम ने मुझे और हमारे कॉरपोरेटर्स जनाब मोहम्मद मुबीन साहब नवाजुद्दीन अहमद साहब जफर खान साहब और अब्दुल खादर साहब रमनसपुरा कॉरपोरेटर और तमाम सदर मोहतमदीन को उस्मानिया मार्चरी भेजा गया और मजलिस के एहतजाज के बाद जो इंतकाल हुआ जिनका सत्या साहब का उनकी बीवी को गवर्नमेंट जॉब देने का एससी इलेक्ट्रिकल वादा करे और 11 लाख रुपए का चेक देने का वादा करे। हम तकरीबन यहाँ पर दिन में 11 बजे से लेकर 5 बज रहे अब तक यहीं हैं और सदर मोहतरम को हम ये रिपोर्ट दिए बाद सदर मोहतरम ने हमें बोले कि राइटिंग में देना एससी लिखकर बोल के, तो अभी वो लेटर आने वाला है, वो आए बाद यहाँ से डेड बॉडी इनकी रवाना की जाएगी जो कि वरंगल के एरिया में रहने वाले इनो। जैसा कि आप जानते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद जमात है, हमेशा इंसानी बुनियादों के ऊपर काम करती है, किसी का मज़हब नहीं देखती। जो सत्या साहब का जो कल डेट हुआ है पोल पे से गिरने से और मजलिस की नुमाइंदगी के ऊपर सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर उनके वाइफ को एक नौकरी मिलेगी गवर्नमेंट जॉब और 11 लाख रुपए का चेक मिलेगा, क्योंकि उनको 3 बच्चे भी है छोटे छोटे। तो इसको देखते हुए मजलिस के एहतजाज के बाद हमने यहाँ पर आए बाद मुझे और मुबीन साहब को और नवाज भाई कॉरपोरेटर साहब को और जफर खान साहब को कुछ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिसर्स आके बोल रहे थे कि साहब हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मगर हम ने एहतजाज किया और सदर मोहतरम को रिपोर्ट दिए और सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के बाद ये चक और नौकरी के ताल्लुक से वो लोग राइटिंग में लेटर देंगे, उसके बाद यहाँ से डेड बॉडी रवाना की जाएगी।